हेलो व्यूअर्स कैसे हैं आप सब दिस इज द नाइल्स कुम वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जी टी एनलाइन गाइज फर्स्ट डे में मैंने अपने कॉन्टैक्ट्स बनाए और कुछ मिशन कंप्लीट करके डॉलर्स अर्न करे बट दे आर नॉट इनफ अब मेरा मिशन है कि मैं एक गाज बाय कर सकूं जिसमें अपनी कार्स को सेफ रख सकूं जिसके लिए मुझे बहुत सारे डॉलर्स अर्न करने हैं तो चलो शुरू करते हैं और डॉलर्स के साथ साथ मुझे 500 सब्सक्राइबर्स भी अर्न करने हैं गाइस तो प्लीज़ सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें तो गाइज़ मैप में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ अनलॉक हो गई हैं काफ़ी सारे मिशन अपडेट हो गए हैं लेकिन मैं अभी उन्हें नहीं टेकअप कर सकता क्योंकि मेरा रैंक काफ़ी कम है और उसे बढ़ाने के लिए मुझे करने पड़ेंगे ये डेली चैलेंजेस जो कि रैंडमली आपके पास पॉपअप होते हैं और जैसा कि ये चैलेंज आया है इस चैलेंज में मुझे गाड़ियाँ चुरानी हैं लॉस सेंटोस और ब्लेन काउंटी के सिटीजन से साढ़े चार मिनट का टाइम है कोई भी ऑनलाइन प्लेयर इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है और जो फर्स्ट टॉप थ्री पोजिशन एक्वायर करेगा उसे मिलेगा काफ़ी सारा पैसा काफ़ी सारे डॉलर्स और साथ में बोनस आर तो गाइज़ मेरे लिए तो ये चैलेंज बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि मुझे तो लेना है गराज और वो गराज लेने के लिए मुझे इस चैलेंज को काफ़ी सीरियसली लेना पड़ेगा सो गाइज लेट स्टील सम कार्स हेलो अंकल थैंक यू अंकल मैं चला अंकल बाय बाय हेलो सर गाड़ी से बाहर निकलो सर थैंक यू सर अरे सर आप तो गुस्सा हो गए सर गोलियां मत चलाओ सर मैं भाग रहा हूं यहां से मैं भाग रहा हूं सर रुक जाओ अरे पागल अबे तुझे दिखाई नहीं देता तेरी गाड़ी में ब्रेक्स नहीं है चल बाहर निकल अरे सर आप तो अभी तक गुस्सा हो यार गोलियां मत चलाओ यार कितनी गोलियां चलाओगे आप मुझ पर मैं जा रहा हूं यहाँ से वैसे तो हम इस बंदे को जवाब दे सकते हैं लेकिन हम नहीं चाहते कि ज़्यादा प्रॉब्लम हो हमारे इस काम में हमारे गाड़ियाँ चुराने के काम में क्योंकि पैसा अभी हमारा प्रायरिटी है हमें कैसे भी करके ये चैलेंज में टॉप थ्री पोजीशंस में से एक पोजीशन एक्वायर करनी है और विनिंग मनी लेनी है तो इसीलिए हम उसे इग्नोर कर रहे हैं और ये सिटीजन्स भी काफ़ी ज़्यादा वायलेंट सिटीजन हैं ये छोड़ ही नहीं रहे हैं गाड़ियाँ दे ही नहीं रहे हैं गाड़ियों से बाहर निकालो तो लड़ने के लिए आ रहे हैं बड़ी ही मुश्किल हो रही है इनसे गाड़ियाँ लेने में और हमारा रैंक बढ़ गया है अब हम फोर्थ रैंक पे आ गए हैं ओके सर बाय बाय, हेलो डियर गाड़ी दे दो डियर अरे रुको डियर अरे धोखा दे दिया इसने हमें धोखेबाज चलो इसे रोक लेते हैं ये मेरी स्ट्रेटेजी सही है दो गाड़ियां रोको दोनों को बाहर निकालो और चलो इससे हम ज्यादा गाड़ियां स्टील कर सकते हैं आसपास कोई गाड़ी नजर ही नहीं आ रही है मुझे इसे ही रोक लेते हैं अरे यार ये भी निकल गया अरे अरे देख के तो चलाओ हेलो सर प्लीज कोऑपरेट सर एक मिनट पच्चीस सेकंड रह गए हैं सिर्फ अरे वाह सारी गाड़ियां लाइन में लग गई एक एक करके सारी चुरा लूंगा मैं यहां पर अरे लगता है पुलिस आ गई है भागना पड़ेगा यहां से मुझे फर्स्ट पोजीशन एक्वायर कर ली है अब मैंने अरे ये कौन आ गया पीछे से गाड़ी रहा है और तेरी तुझे बताता मैं अभी मेरे पास टाइम नहीं है सिर्फ 20 सेकंड रह गए हैं बहुत ही टफ कंपटीशन चल रहा है ये अरे वाह साढ़े पांच हज़ार डॉलर जमा हो गए हैं बैंक अकाउंट में ज़बरदस्त चैलेंज खत्म हो गया है हमने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया इतना कम रैंक होने के बावजूद मैंने टॉप थ्री में अपनी पोजीशन बना ली है बोले तो गाइस फोर डाला तो अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन पे जो कि सेल्वेज यार्ड में है हम सेल्वेज यार्ड को खरीदने की कोशिश करते हैं देखते हैं क्या हम उसे खरीद पाते हैं या नहीं हम यहाँ पे आ गए हैं और ये हमको मार्कर दिख गया है देखते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है वो हमसे कांटेक्ट यूसुफ अमीर एट लास्ट आई यू क्या कह रहा है ये you know, सुनते हैं वेरी हार्ड पर्सन टू रीचेन सो इज यूसुफ अमीर सो दिस इज अ वेरी स्पेशल ओकेजन मीटिंग ऑफ Let me open the kimono and show you my business. I want in the bank you to purchase invest in in salvage a yard There is a chain of salvage yards going into administration. Buy one of them, and it will be the start of something very profitable. Well, come on. What more do you need to know? Let's pull the trigger. Come on, baby. Let's hustle. Let's grind. Let's make some paper. I'll be in touch. एक नया मिशन भी आया है फोर प्लेयर मिशन है ये तो अब हमें बैंक जाना पड़ेगा पहले हमें देखना पड़ेगा कि कितना पैसे का हम ख़रीद सकते हैं सेल्वेज यार्ड एक इनवाइट आया है हमारे पास जॉब के लिए चेक करते हैं ज़रा एक और इनवाइट आ गया है ट्रिफ्ट रेस के लिए तो काफी सारी एक्टिविटीज हैं पार्टिसिपेट करने के लिए एक प्रिज़न ब्रेक का जॉब आया है हमारे पास थोड़ा मुश्किल मिशन लग रहा है अभी हमारा रैंक कम है हमको ये मिशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए थोड़ा तो सोचना पड़ेगा सबसे पहले हमको अपने एसेट बनाने हैं इस शहर में जैसे कि गराजेज और कोई धंधा शुरू करना है जो कि हमारा साइड बिजनेस चलता रहे एक ईमेल आया है हमें अभी रिसेंट खोल के देखते हैं क्या कह रहा है ये यूज़ दिस फोटोग्राफ़ इन द ई मेल टू आइडेंटीफाई द लोकेशन ऑफ़ द ट्रेजर कोई ट्रेजर हंट की बात कर रहा है ये इसमें हमारा मिनिमल रिस्क है और फ्री में हमको कितना पैसा मिलेगा उसमें पता नहीं हो सकता है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट हो तो मैं तो यही करने वाला हूँ बाकी सब में डेंजर बहुत ज़्यादा है अभी मैं डेंजर लेना नहीं चाहता हमारी स्किल्स भी उतनी इम्प्रूव नहीं है काफ़ी दूर जाना पड़ेगा हमें तो कोई बात नहीं गाइज चलते हैं अरे ये क्या बिजनेस बैटल आ गई है हमारे पास असेसिनेट द टारगेट्स टू रिवील द वेपन्स ये अपने आप ही एक्टिवेट हो गया है 20 मिनट का टाइम है टारगेट्स हैं एक टारगेट तो हमारा सामने ही है बिजनेस बैटल हैज स्टार्टेड एसोसिएट्स एसेसिनेट ऑल द टारगेट्स टू रिवील द डफल बैग्स डिलीवर देम टू द ड्रॉप ऑफ टू अर्न कैश ओके okay. चलो चलते हैं फिर अरे भाई ये क्या हो गया अरे किसने हमें फोड़ दिया यार गाइस ये शहर तो बड़ा ही खतरनाक है कौन कब यहां आके आपको टपका डाले आपको पता भी नहीं चलेगा फिलहाल तो मैं रिस्पॉन्ड हो गया हूं मेरा थोड़ा टाइम कम हो गया है और मैं अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहा हूं तो मैं पहुंच गया हूं एक को टपकाया ये है मेरा मेन टारगेट ये तो आसानी से मर गई इसके गार्ड को भी टपका दिया थोड़ा कवर ले लेता हूं कोई और तो नहीं छुप के बैठा है कहीं पर हाँ कोई नहीं है लूट ले लेते हैं इनसे एक और गन आ गई है अब हमारे पास और चलते हैं नेक्स्ट टारगेट लोकेशन पे जो कि मैप में दिखा रहा है जिसे हमने मार्क कर दिया है और बाकी कहाँ कहाँ स्कैटर्ड हैं पूरे मैप में वो भी दिखा रहा है काफी ज्यादा दूर हैं हम लोग आ गए हैं अपने नेक्स्ट टारगेट को एसेसिनेट करने एक गार्ड के साथ है वो पहले गार्ड को टपकाएंगे अरे ये कितनी तेज भाग रहा है कहाँ भाग रहा है ये मुझे तो लगा मेरे पास ही आएगा ये कहां निकल गया ये जालियों के पीछे चलो कोई नहीं यहां से मार देता हूं अरे ये पॉइंटर क्यों नहीं आ रहा मारने के लिए अरे ये क्या लोचा है भाई जंगलों में भाग गया वो गार्ड भी बच गया वो जा रहा पहाड़ के ऊपर क्या पीटी उषा की औलाद था क्या ये इतनी तेज कैसे भाग लेता इसका स्टेमिना इतना हाई कैसे है यार ये मैक्स से तो चढ़ा ही नहीं जा रहा अरे भाग ले भाई थोड़ा तेज भाग वो जा रहा सामने पहाड़ पे हां इन रेंज डेड रैंक हमारा बढ़ गया है गाइस और पैसे भी जमा हो गए हैं बैंक में मजा आ गया ये तो बड़ा ही आसान है नेक्स्ट टारगेट पे पहुंच गए हैं अब हम गप्पे मार रहा है ये तो इसे तो नहीं छोड़ूंगा एक बारी में मार दूंगा गुड सिर्फ पांच मिनट रह गए हैं निकलते हैं हम यहाँ से फटाफट गार्ड को छोड़ो यार हमारे शूटिंग स्किल्स भी बढ़ गए हैं दो टारगेट रह गए हैं पांच मिनट है हमारे पास काफी दूर है यह टारगेट साढ़े पांच किलोमीटर हम लोग चल के आ गए हैं इसको मारने के लिए हमारा टाइम भी काफी कम रह गया इसे तो हेडशॉट में ही उड़ाना पड़ेगा इसके दो दो गार्ड है यहां पर गार्डनिंग कर रहा है ये गया चलो निकलो यहां से फटाफट सिर्फ एक मिनट रह गया है अब हमारे पास और एक टारगेट रिमेनिंग है हमारा पांच टारगेट हम लोग उड़ा चुके हैं अब उसे देखते हैं कहाँ पर है वो मैप में ये तो इम्पॉसिबल है यार इस तक पहुंचना और ये ऑन द टॉप ऑफ इट गाड़ी में ट्रेवल कर रहा है ये अरे ये तो बहुत ही मुश्किल हो गया मेरे लिए अब आई थिंक मेरा तो ये मिशन फेल हो गया है लेकिन मैंने पांच बंदों को उड़ा दिया है देखे क्या होता है आगे पता चलेगा आठ सेकेंड रह गए हैं सात सेकेंड रह गए हैं बहुत ही मुश्किल मिशन है ये तो गाइस गुड्स रिवील्ड उन्होंने मुझे बता दिया है कि गुड्स रिवील हो गए हैं और एक बंदा गाड़ी में है तो वो गाड़ी हमको चुराना है ये वही बंदा है जो गाड़ी में घूम रहा था तो इसे गाड़ी में किसी ने मार दिया है और हम इसका पीछा कर रहे थे काफ़ी टाइम से तो हमने गाड़ी को ले लिया है अब हमें वेपन्स को ड्रॉप करना है लोकेशंस पे तो अब हम वहीं निकल रहे हैं टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा है साढ़े बारह मिनट का टाइम है हमारे पास तो ये अच्छा हो गया हमारे लिए और ये गाड़ी भी क्या कत्ल गाड़ी है यार क्या भाग रही है और मैं आ गया हूँ अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन पे जहाँ मुझे ये बिज़नेस गुड्स डिलीवर करने हैं ये बिज़नेस गुड्स डिलीवर करना आसान नहीं है क्योंकि जितने भी ऑनलाइन लोग हैं वो सब आपके पीछे पड़ जाते हैं ये गुड्स लेने के लिए आपसे तो बच बचा के मैं यहाँ आ गया हूँ आई थिंक यहीं से हमारी एंट्री है ये लिखा तो है एंटर बट ये दरवाज़ा नहीं खुल रहा मैप में कहाँ दिखा रहा है इस घर के पीछे दिखा रहा है मुझे आ, ये रहा रास्ता यहां से चलते हैं पीछे और ये मार्कर मिल गया हमें गाइस गुड्स डिलीवर्ड हमारी आरपी बढ़ गई पैसे बढ़ गए हमारा रैंक बढ़ गया और अब हम फोर क्लोजर मेज बैंक में जाकर के काफी सारी वैरायटी ऑफ प्रॉपर्टीज भी परचेज कर सकते हैं तो हमारा रैंक बढ़ने से हमें काफी नए मिशंस मिलते हैं करने के लिए तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट लोकेशन पे जो कि हमारा था ट्रेजर हंट लेकिन Hello? ये सिमियन क्यों फोन कर रहा है मुझे क्या कह रहा है ये uncle, yes, really the car, इसने हमें कुछ फ्री मॉडिफिकेशंस गिफ्ट करी है दोबारा सेविन Oh, and bearing that in mind at all times perhaps i will text you with the occasional favor for you यह हमें बोल रहा है कि मैं तुझे कुछ काम के लिए टेक्स्ट करूंगा वो काम कर दियो तू मेरा एक गैराज लेने को बोल रहा है ये मुझे जिसमें मैं अपनी मॉडिफाइड और यूनिक व्हीकल्स रख सकूं मैं भी यही कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी एक गैराज ले लूं जिसमें मेरी गाड़ियां सेफ रहे तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मिशन की ओर मेरे पास एक चैलेंज आया था जो कि डेली चैलेंज था जिसमें मुझे अपने लैंड व्हीकल से एक लॉन्गेस्ट जंप परफॉर्म करनी थी और हम ये ट्रेजर हंट कर रहे हैं तो मैं इसी एरिया में था तो मैंने यहाँ से ही जंप करके गाड़ी अपनी पानी में डुबो दी हमने 67.9 मीटर्स की जंप करी है और अभी हम फर्स्ट पोजीशन पे चल रहे हैं तो गाड़ी डुबाने के बाद अब मैं दूसरी गाड़ी लेने जा रहा हूँ लेकिन अब टाइम काफ़ी कम रह गया है सिर्फ तीन सेकेंड रह गए हैं और मैं अभी भी टॉप पे ही हूं टाइम हो गया खत्म और हमने ये राउंड विन कर लिया है 6,750 डॉलर हमारे बैंक अकाउंट में जमा हो गए हैं लॉन्गेस्ट जंप चैलेंज हमने विद स्कोर ऑफ 67.9 मीटर्स हमारा रैंक बढ़ गया है और ये कंटेस्टेंट हैं जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था सबका स्कोर कार्ड सामने आ गया है हमारे पैसे बढ़ गए हैं काफ़ी ज़्यादा डॉलर्स हो गए हैं अब हमारे पास टोटल अस्सी एटी एट थाउजेंड डॉलर्स हो गए हैं तो वापस अब हम चलते हैं अपने ट्रेजर हंट पे इस एरिया में हमको वो ट्रेजर फाइंड आउट करना है वो फोटो देख करके अरे सिमियन का फोन आ रहा है देखिए hey, क्या कह रहा है You हमें व्हीकल्स लाने के लिए कह रहा है कुछ व्हीकल्स हैं जिसको हमें डिलीवरी करनी है देखे को और वो हमें काफी text. सारा पैसा देगा इन रिटर्न I'll... और हमें जी का मैसेज आया था जेराल्ड का कि काफी सारे स्टैश हाउसेस हैं ड्रग स्टैश हाउसेस हैं जहां हम रेड कर सकते हैं मेरे रास्ते में ही एक स्टैश हाउस मिल गया था मुझे तो मैंने वहां पर रेड कर दी अभी इसमें काफी सारे डीलर्स हैं अंदर जिनको हमें टपकाना है लेकिन वो लोग बेसमेंट में है सारे के सारे और बड़े आराम से मुझे मार देंगे अगर मैं उनके सामने से गया कोई तरीका सोचना पड़ेगा मुझे उन्हें टपकाने का चार लोग तो अंदर दिख ही रहे हैं मुझे फ़ोन में चेक करता हूँ कुछ आइडिया मिले आइडिया मिल गया हेल्थ एंड एमओ में जाकर के देखता हूँ कुछ है क्या यहाँ पर ये यह हमारे स्नैक्स हैं जो हम ले सकते हैं बॉडी आर्मर में कुछ आर्मर वगैरह ले सकता हूं क्या आर्मर लेकर के अंदर चले जाता हूँ हमारे पास कोई भी आर्मर नहीं है हमको पहले ख़रीदने पड़ेंगे तब हम इक्यूब कर सकते हैं एमओ में कुछ ख़रीद सकता हूँ क्या कुछ ग्रेनेड वग़ैरह मिल सकते हैं मुझे अरे हाँ ग्रेनेड ख़रीद सकता हूँ मैं ये तो बढ़िया हो गया चलो ग्रेनेड खरीद लेते हैं तीन ग्रेनेड ले लिए मैंने ये बहुत होंगे इनके लिए चलो अब थ्रो करते हैं अंदर ग्रेनेड अरे ये तो ज्यादा दूर नहीं गया और हमारा ब्लड भी कितना कम हो गया है और गुड शॉट उड़ा दिया काफी लोगों को उड़ा दिया ग्रेनेड ने अब अंदर चलते हैं अब देखते हैं कौन हमसे पंगा लेगा अरे कौन मर रहा है वन शॉट डाउन गुड शॉट अब एक बंदा रह गया है हमारा ब्लड थोड़ा रिगेन हो जाए चलो चलो वन शॉट गुड शॉट ब्रेक इन टू द सेफ सर्च द स्टैश हाउस फॉर द कॉम्बिनेशन टू द सेफ एंड स्टील द कंटेंट्स फ्रॉम इन साइड ओके अब ढूंढते हैं हमको कोड कहाँ मिलेगा कुछ कोड होगा यहां पर ये बोर्ड है इस पे कोड मिल जाएगा हमें जीरो वन टू थ्री फोर फाइव डालकर देखते हैं क्या यही है कोड ग्रेट ओपन हो गया है ये हमने इसमें से जो सेफ के कॉन्टेंट्स हैं वो ले लिए हैं एग्जिट द स्टैश हाउस अब निकलते हैं यहां से फटाफट लीव द एरिया अरे काफी लोग आ रहे हैं यार यहाँ पर फटाफट मुझे निकलना पड़ेगा यहाँ से हमारा ब्लड काफी कम है तो हम इनसे पंगा नहीं लेंगे हम यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं हमारे पीछे आ रहे हैं वो लेकिन हम बिना रुके भागेंगे तो जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे ब्लड हमारा कितना कम है अगर मैंने उनसे फाइट ली तो मैं तो गया काम से काफी दूर हो गए हैं अब वो मुझसे अभी हमें पता नहीं है हमें कितने पैसे मिलेंगे कितना कंटेंट क्या कंटेंट चुराया है हमने इसीलिए समझदारी इसी में है कि कटले यहां से स्टैश हाउस रेडेड ओ भाई साहब तैतीस हजार डॉलर मिल गए हमको मजा ही आ गया है और अब हमारे फॉर सेल साइंस अराउंड द मैप हैं अच्छा हम गराज खरीद सकते हैं तो हमने एक गराज खरीद लिया है क्योंकि यही हमारा मोटिव था आज का हम ये गराज खरीदना था हमारा गोल यही था तो गराज हमने ले लिया है और हम इसमें व्हीकल स्टोर कर सकते हैं और एक मैकेनिक भी मिलेगा हमें बट वो फिफ्टी डॉलर चार्ज करेगा जब भी हम उसे कॉल करेंगे तो गाइस गराज तो हमने ले लिया है हमारे पास एक गाड़ी है अब हम एक और गाड़ी देखते हैं इसमें रखने के लिए ताकि हमारा जो स्टॉक है वो बढ़ जाए और इस बारी हम कोई ज़बरदस्त गाड़ी देखेंगे तो हमें काफ़ी सारे ई आए थे उसमें से एक वॉर स्टॉक का ई आया था जिसमें जा के हमने देखा था कि वहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ीज़ अवेलेबल हैं लेने के लिए पहले अब हम गराज से बाहर निकलते हैं और उसके लिए हम सिंपल वॉकआउट करेंगे तो गराज से बाहर निकल जाएंगे ओके okay. तो अब हम आ गए हैं बाहर और हम जाते हैं वॉर स्टॉक की साइट पे यहाँ कोस्टका है जो कि दो मिलियन डॉलर का है अरे भाई अभी तो हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं तो हम पहले इस साइट को सर्च करते हैं और देखते हैं यहाँ हम कुछ ले सकते हैं आइटम जो कि हम अफोर्डेबल अफोर्ड कर सकें जो अफोर्डेबल हो कुछ गाड़ियाँ फ्री में दे रहा है डूको डेथ गाड़ी फ्री में दे रहा है गाइस ये तो बहुत ही अच्छा है और गाड़ी क्या जबरदस्त गाड़ी है ये फ्री में दे रहा है ये तो बुलेट प्रूफ गाड़ी है पूरी और हमने परचेस कर ली है गाइस हमको फ्री में एक बहुत ही बढ़िया गाड़ी मिल गई है तो आप लोगों को भी अगर गाड़ी चाहिए तो ये साइट पर जाइए और ये गाड़ी फ्री में ले लीजिए आप तो अब हम आ गए हैं हमारी गाड़ी की डिलीवरी देखने के लिए तो हमारी गाड़ी जो है डिलीवर हो गई है अरे वाह ये तो मज़ा ही आ गया दोनों गाड़ियाँ डिलीवर हो गई हैं तो आज का मिशन हमने पूरा कर लिया है हमारे पास काफ़ी पैसे भी आ गए हैं और काफ़ी हमने मज़े लिए काफ़ी पैसे कमाए और हमने गराज भी ले लिया है अब हमारे पास दो गाड़ियाँ हो गई हैं जिनके साथ हम आराम से खेल सकते हैं आगे का हमारे मिशंस और हमारे पास कई और मिशंस अनलॉक हो जाएंगे ये गेम खेलने से हम देख लेते हैं अब हमारे पास ऑनलाइन हम क्या कर सकते हैं हम अपनी स्पॉन लोकेशन को क्या रख सकते हैं ओके ओके स्पॉन लोकेशन हमारी गराज में ही होगी यही बढ़िया है तो गाइस आज के एपिसोड में इतना ही आई होप आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा तो जल्दी से लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और आइकन को दबाना मत भूलें मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स को ट्विटर इंस्टाग्राम डिस्कॉर्ड पे मुझे फॉलो करें मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा गाइस 500 सब्सक्राइबर्स गोल को पूरा करने में मुझे सपोर्ट दें द दे नाइल्स कोम साइन इन ऑफ और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट एपिसोड में गाइस तब तक के लिए हैव हैवे नाइस डे